गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अंजलि, मैं अभी फिलहाल सातारे में आई हूँ। मेरी बीएमएस के इंटर्नशिप शुरू है सिविल हॉस्पिटल में। तो फिर ऐसे इनिशियली तो हम सब ने शिविर साथ में ही किया था, लेकिन तब छोटे थे तो कुछ चीजें ऐसे अपील नहीं हुई थी। और फिर अभी कैसे मॉर्निंग सेशन होते हैं तो मैं भी सुनती हूँ, और फिर मम्मी पापा के साथ उसके बारे में चर्चा भी होती है। तो ऐसे ही बात करते करते बहुत से विषय निकल जाते हैं। तो कल ही मम्मी से एक चर्चा हो रही थी कि इनिशियली मुझे ये सब अपील क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शायद एक जो होता है कि तुम्हें जो कंटेंट मिल रहा है और जो तुम्हें कंटेंट दे रहा है, जब बच्चे होते हो तो आप ये देखते हो कि आपको जो सामने वाला बता रहा है वो खुद भी कर रहा है क्या। और तब मुझे उनके बिहेवियर में वो कुछ ऐसे खास दिखा नहीं, तो मुझे वो कंटेंट ऐसे प्रॉपर अपील नहीं हुआ कि अच्छा है, लेकिन फिर ये तो सभी बताते हैं, इसमें अलग क्या है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और मम्मी पापा के साथ डिस्कशन हुए, तो फिर ऐसे दिखने में आया कि ये अपने लाइफ में है। और सबकॉन्शियसली ये सब हम सोचते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो लाइन गाइडेंस चाहिए वो इधर मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएटली मिला। एज इन मेरा और मेरे भैया का दोनों का मानना है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक है कि दिस इज द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ, लेकिन हर कोई अपना एक मेथड फाइंड करता है कि मैं अपनी लाइफ बेस्ट कैसे जीव। इसके लिए जो प्रपोजल है, जो आइडियाज है, वो इधर बहुत क्लियरली मिलते हैं। लाइक व्हेनेवर यू आर स्टक कि अभी इसके आगे मैं करूँ क्या, तो उसके लिए यहाँ से मुझे बहुत क्लियरली ऐसे आइडिया मिलता है कि अगर मैं खुद में डिस्टर्ब हूँ या फिर मैं तो बहुत इजीली चिढ़ जाती हूँ, तो फिर उस वक्त जब मम्मी पापा से डिस्कस करती हूँ तो फिर वो बताते हैं कि पहले खुद में देखो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनिशियली देखो कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया। फिर अभी मैंने जब वो करना शुरू किया है तो फिर पता चलता है, मुझे जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है कि अरे ये तो अपनी ही वजह से हुआ था। तो जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट है वो मतलब बहुत अच्छे से अभी दिखता है। इनिशियली जब शिविर किया था तब पता नहीं चलता था, लेकिन अभी जैसे हमारे कन्वर्सेशन हो रहे हैं, मैं भी एवरीडे मॉर्निंग ये शिविर सुन मतलब ये आपका डिस्कशन सुनती हूँ, तो फिर उससे बहुत सारे पॉइंट ऐसे क्लिक होते रहते हैं। और फिर पापा से भी बहुत बार इसके बारे में चर्चा होती है, मतलब बहुत वेग टॉपिक्स रहते हैं और फिर उन पे डिस्कशन होती रहती है। लेकिन ऐसे होता है कि ना कुछ कुछ चीजें डिस्कशन थ्रू ही समझ में आती है। तो कल ही मम्मी जी से एक बात हुई कि जब ऐसा कोई बिग कंटेंट हम रखते हैं और मतलब इनिशियली कैसा होता था, कोई एक बता रहा है, हम सुन रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वो मुझे लगता था एक स्टैंडर्डाइजेशन वे ऑफ टीचिंग है और उसमें सबको ये नहीं समझ में आता। लेकिन ये हम ये जो नया मेथड है डिस्कशन का, एवरीबॉडी पुटिंग देयर थॉट्स आगे, ये मुझे ज्यादा अपील हुआ कि इसमें हर कोई अपने वे से अंडरस्टैंड कर रहा है हर सिचुएशन। मतलब एक ही गिवन, लाइक मम्मी को मैंने क्यूबर्ड का एग्जांपल दिया कि एक ही क्यूबर्ड अगर चार डिफरेंट एंगल से देखो तो चार डिफरेंट चीजें दिखती है, और डिस्कशन में हम वो चारों डिफरेंट चीजें डिस्कस करते हैं तो हर कोई मतलब एक सेम पॉइंट पे आ सकता है ऐसे। और फिर अभी मैं सिविल में आई हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स एक दिन में हाथ के नीचे से जाते हैं, तो एक चीज से नोटिस हुई कि अगर रिलेशनशिप में हमारे तनाव हुआ ना तो वो हमें हमारे शरीर पे रिफ्लेक्ट होते हुए इतना इजीली दिखता है। मतलब हम तो एक्सट्रीम केसेस देखते हैं सिविल में, मतलब घर में झगड़ा हुआ डायरेक्ट पॉइजन पी के आए, घर में झगड़ा हुआ पापा ने बच्चे पे वार किया, हम तो ऐसे एक्सट्रीम देखते हैं। लेकिन फिर ऐसे मतलब मेरा कंक्लूजन आया कि अगर फैमिली में या फिर रिलेशंस में हम स्टेबल नहीं हुए तो वो कितना इजीली हमें फिजिकली अफेक्ट कर सकता है। यस, इतना ही अभी फिलहाल शेयर करना है। अंजलि की भी शेयरिंग से एक बात जो आई थिंक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी है कि जब तक हमारे अपने व्यवहार में नहीं आ जाता जो हम बातें कर रहे हैं, तब तक घर में और लोग उनको प्रभावित करना या उनको
चेंज करना या उनको समझाना, वो सब तरीके इतना अच्छे से काम नहीं करेंगे जब तक हम अपने व्यवहार में उसको ना लाएं, और फिर व्यवहार में ला के और डिस्कशन हो, बातचीत हो, तो उससे बहुत घर का पूरा माहौल बदल सकता है। तो ये बातें मुझे ध्यान में आई तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।